वो सुबह कभी तो आएगी। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा। मस्ताना साहब ने एक हुंदा सी फिकरा टिपिकल कि जे मेरा एहो जिहा मूंह हुंदा, मानोला साहब दा मूंह फड़ के कहंदे ने जे मेरा एहो जिहा मूंह हुंदा बल्कि क्यों अबू नूं आ गए ने कहंदे लो जी जे मेरा एहो जिहा मूंह हुंदा ते अलविदा हो कहंदे बेटा तेरे भी पैसे वधे होणे। फिर शेरशाह सूरी आए, शेरशाह सूरी लगदा साडा ताता च आया। अस्सलाम वालेकुम, कसौटी एट ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा, और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज इन हाउस है या मेहमान है कोई? सब हमारे पास चैलेंजर मौजूद हैं। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम काशिफ इकबाल। काशिफ साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? मैं बेसिकली, मेरा ओकाड़ा सिटी से ताल्लुक है, बट स्कूलिंग के बाद मैं लाहौर में सेटल। तो क्या करते हैं आप? मैं एज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर। ओके, अच्छा जी। काशिफ साहब, शख्सियत मर्द है? जी मर्द है। जिंदा? जी नहीं। ताल्लुक एशिया से? जी एशिया से। साउथ एशिया? जी। पाकिस्तान? जी नहीं। एक इंडियन शख्सियत जो जिंदा जी, नहीं जी, पाकिस्तान से ताल्लुक। किस्तानी है? पाकिस्तान से ताल्लुक। यार क्या हो गया भाई? हम तो हैं, बाकियों को क्या हो गया? काशिफ साहब, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी नहीं। 25 साल से ज्यादा? जी नहीं। 1998 के बाद? शोभा? शोभा शोबिज से या शोबिज थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए मेरा ख्याल शुरू में उधर जाना चाहिए। ताल्लुक शोबिज से है? जी नहीं। इल्म फजल से है? ताल्लुक थोड़ा सा है, लेकिन बुनियादी ताल्लुक ये नहीं है। वजह शोहरत? ये वजह शोहरत नहीं है। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है? जी बिल्कुल। 10 सवाल। सियासत और हुकूमत और इल्म व फजल से ताल्लुक, लेकिन वजह शोहरत नहीं। जी सर। इंतकाल को 25 साल से कम हुआ। ऐसे पॉलिटिशियंस जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, हनीफ रामे जैसे? नहीं, उनका इल्म व फजल बहुत ज़्यादा ताल्लुक है हनीफ रामे का। ताल्लुक पंजाब से? ही वाज अ जर्नलिस्ट। ताल्लुक पंजाब से काशिफ साहब? जी नहीं। जी नहीं, पंजाब से ताल्लुक नहीं, तो सिंध से होगा मोस्ट प्रोबेबली। हकीम सईद तो हो चुके हैं ना? आई थिंक सो, लेकिन उनका मेरे ख्याल पीरियड भी थोड़ा सा ज्यादा, दो साल ऊपर होंगे, ज्यादा हो। 96 तक है, 98 बिफोर दिस पीरियड। तो काशिफ साहब, ताल्लुक सिंध से? जी नहीं। तो अब इस्लामाबाद को अलग टेरिटरी गिना जाएगा? केपी तो मोस्ट प्रॉब्ली इस्लामाबाद होगा। ये रियासत तो हुकूमत कौन सी शख्सियत है जी जो इस्लामाबाद से ए जे के से भी हो सकती है? नहीं। Somebody like सरदार कयूम? नहीं। हाँ, सरदार कयूम एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, लेकिन वो इल्म व फजल को ऐसा नहीं था उनका। क्वेश्चन कितने हुए? 12 सवाल। 12। ताल्लुक पे इस्लामाबाद से मेरे ख्याल पूछा जाए। जी गुड। ताल्लुक इस्लामाबाद से काशिफ साहब? जी इस्लामाबाद से भी ताल्लुक। ये भी ताल्लुक जोश मली आबादी, बंगाली पॉलिटिशियन थे महमूद अली। महमूद अली जोश मली आबादी, लेकिन सियासत हुकूमत जोश का नहीं है ना, तो प्योर इल्म व फजल था। या और वो भी थे राजा त्रिदेव रॉय। दूसरा ताल्लुक बंगाल से पूछिए। दूसरा ताल्लुक काशिफ साहब मशरकी पाकिस्तान से था? जी बिल्कुल। वाओ यस, अच्छा। अम्बेसडर रहे पाकिस्तान के? अम्बेसडर रहे कहीं? जी। लो जी, राजा गैर मुस्लिम थे? जी। राजा त्रिदेव रॉय। दैट वाज क्विक। इसलिए मिला भी हूँ राजा त्रिदेव रॉय से। आई हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग हिम एंड डिस्कसिंग मेनी थिंग्स विद हिम।
इस्लामाबाद का जो सबसे छोटा सेक्टर है, बड़ा प्रेस्टिजियस, उसमें रहते थे, E7। हमारे नेक्स्ट चैलेंज जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? हसन फारूक। हसन साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी लाहौर से। हसन साहब क्या करते हैं आप? जी मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ जी। ओके, सेकंड गवर्नमेंट ऑफिसर। अच्छा जी, हसन भाई शख्सियत मर्द है? जी मर्द है जी। जिंदा? नहीं जी। एशियाई? जी। ताल्लुक साउथ एशिया से? जी। पाकिस्तान से? नहीं। अच्छा हसन साहब जी, जी, इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? जी। 100 साल से ज्यादा? जी। वो पाकिस्तान इंडिया वाला क्वेश्चन इररिलेवेंट हो गया ना, 1923 से पहले। 200 साल से ज्यादा? नहीं। 150 साल से ज्यादा? नहीं। 1873 से 1923 के दरमियान। 1873, ओके। मुस्लिम पर्सनालिटी? नवाब सलीमुल्लाह। कोई नॉन मुस्लिम भी हो सकता है? मुस्लिम भी हो सकता है, पूछना पड़ेगा। दादा भाई नेहरू जी। वो क्या था, ह्यूम, याद है ना? फिर तिलक, तिलक भी थे कांग्रेस के लीडर, पूछना पड़ेगा मुस्लिम नॉन मुस्लिम। फिर तोताराम। तोताराम कौन? तोताराम कौन? एक तोताराम था, एक छोटू राम। छोटू राम था, तोताराम भी था। जैसे कोई ड्रोनी चीज का नाम है। अभी तोता एक बड़ा बेज। छोटू राम था। छोटू राम तो थे ही कांग्रेसी पुराने। He was actually in Unionist Party. छोटू राम तो खैर थे ही पुराने पॉलिटिक्स में, लेकिन तोताराम भी थे। तोताराम वाज अ कांग्रेस, आपको तो चूंकि पता नहीं है। हसन साहब ये शख्सियत मुस्लिम? नहीं। देखा ना, 10 सवाल। That saved us many questions. इसमें हिंदू और हिंदू ही के ज्यादा चांसेस हैं। और अगर अंग्रेज है तो ह्यूम है ना? Yes. He died, I think, 1910, around period वही है। कोई हिंदू पर्सनैलिटी? नहीं। पारसी, अंग्रेज? अंग्रेज नहीं। दादा भाई नीरू जी सबसे आम है, वो हो चुके हैं पहले। गोखले भी तो थे। गोखले, यस। अभी उनका हिंदू नहीं जी सर, तो गोखले तो हिंदू थे। हिंदू तो ये फिर कोई क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन है तो फिर ह्यूम है, रेस्ट अश्योर्ड। कांग्रेस पार्टी कोई क्रिश्चियन पर्सनालिटी? हसन साहब क्रिश्चियन भी थे। भी थे जी, रहे एक टाइम में। ओ ये तो वो जो हिंदू थे फिर क्रिश्चियन थे, जो हिंदू हो गए, हिंदू थे जो क्रिश्चियन हो गए। इसमें कौन सी पर्सनालिटी है जी ऐसी जो बाद में बुद्धिस्ट हो गए थे? यार वो बाद की बात है, वो तो बहुत बाद की बात है। अंबेडकर। अंबेडकर हाँ, वो तो बहुत जबरदस्त आदमी था अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर। अपनी जनरेशन के बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल। क्रिश्चियन भी रहे, कौन थे जी ऐसे? मिर्जा गुलाम अहमद की डेथ इसी पीरियड में हुई। He died in 1908. वो क्रिश्चियन कभी नहीं रहे थे? नहीं, वो तो बड़े मुनाजरे करते थे क्रिश्चियंस के साथ। तो ये बड़ी ट्रिकी पर्सनैलिटी है जी, कि जो क्रिश्चियन भी रही। सैयद अमीर अली उस जमाने के हैं। मुस्लिम का क्वेश्चन आप कर चुके हैं। कोई सिख पर्सनैलिटी ऐसी, या ऐसा क्रिश्चियन जो जिसने क्रिश्चियनिटी छोड़ दी बाद में और एथिस्ट हो गया? तो कांग्रेस पार्टी का क्वेश्चन किया जा सकता है। इट कुड बी ए ह्यूम, व्हाई नॉट ह्यूम। हसन साहब कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रहा इनका? नहीं। नहीं, वजह शोहरत हमने डिटरमिन कर ली है? नो सर। यार कमाल है, हमने क्या अभी तक क्या तय हुआ है? सर आपने पीरियड का पूछा है, इट्स बिटवीन 1873 टिल 1923। आप मुस्लिम नहीं है, हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन फॉर सम टाइम। सवाल कितने हो गए? 13 सवाल। 13 सवाल हमने इसी में जाया कर दिया, और ये नहीं पता कि वजह शोहरत क्या है, वरना हम ह्यूम के पीछे क्यों पड़े रहे। वजह शोहरत इल्म फजल है? नहीं। सियासत और हुकूमत है जी। एक एक ऐसे हिंदू रिफॉर्मर थे
जिनके बारे में कहा जाता है कि वो क्रिश्चियन हो गए थे लेकिन वो सर सैयद से तकरीबन 100 साल पहले थे, रॉय एम एन रॉय या क्या ये नहीं, उन्होंने कहा सियासत हुकूमत से ताल्लुक नहीं है, है जी सर, इल्म फजल से नहीं, नहीं सर। 1873 1873 से 1923 के दरमियान। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है जी कि समबडी सम हिंदू बिकेम अ क्रिश्चियन फॉर अ वाइल, डिड आई गेट इट राइट? नो, इट मस्ट बी सम क्रिश्चियन, कोई अंग्रेज जो हिंदू हो गया, जो हिंदू हो गया, अंग्रेज जो सिख हो गया, अंग्रेज जो बुद्धिस्ट हो गया। लेकिन इनका हिंदू पर्सनालिटी, एक फरोज शाह मेहता भी थे बट दीज वर कांग्रेस पीपल। हमें कांग्रेस से कोई गरज नहीं है, कांग्रेस हो या जो भी हो, सिर्फ ये कि कोई एक शख्स जो थोड़ी देर के लिए, अगर वो कहते ना कि कुछ देर के लिए क्रिश्चियन रहे तो आप इधर आए ना, कि वो फिर क्या थे उनका रिलीजन जो है ना, वाज ही अ सिख, वाज ही पारसी, पारसी होंगे, दिनशा देसाई पारसी होंगे, डेफिनेटली पारसी, वल्लभ भाई पटेल। जिनाह साहब के ससुर का तो नहीं पूछा इन्होंने कहीं? जिनाह भाई दिनशा, बट आई थिंक ही डाइड लेटर। ये कुछ ट्रिकी पर्सनालिटी है जी, कुछ यू थिंक इट्स वेल नोन? नहीं उनसे ना पूछे, ही गेट्स इरिटेटेड बाय दिस क्वेश्चन। आपके स्टैंडर्ड से वेल नोन है ना? नोन नोन, नॉट वेल नोन। अच्छा जी, कांग्रेस से कोई ताल्लुक नहीं लेकिन सियासत हुकूमत से ताल्लुक। गॉड से बात की शख्सियत है। गॉड से? नथुराम गॉड से जी? नहीं नहीं, वो तो बहुत बाद का है, बहुत बाद, उसे बहुत पहले की। He was executed ना? चंद्र बोस का क्या है पीरियड? सुभाष चंद्र बोस, he mysteriously died, nobody knows when did he die, but in the 40s, 45, 46. Did he die or he vanished? Plane crash में कहते हैं, nobody knows for sure. Question कितने हुए डॉक्टर साहब? 15 सवाल। 15? कैन यू रीकैप? एक साउथ एशियन मेल जिनका इंतकाल 1873 से 1923 के दरमियान हुआ, मुसलमान नहीं है, हिंदू नहीं है, क्रिश्चियन कुछ अरसे के लिए थे एंड कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक नहीं है, इल्म फजल से ताल्लुक नहीं है, सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है। सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है। ये कोई सर सैयद अहमद खान का बेटा तो नहीं जो उनसे नाराज़ हो गया था, पता नहीं क्रिश्चियन हो गया था क्या हुआ, लेकिन ये जो कहना कि मुसलमान भी नहीं है जी सर, नॉन मुस्लिम नॉन हिंदू, फिर वो तो नहीं हो सकता। वो क्या था उसका नाम, लुकमान था क्या? महमूद समथिंग आई थिंक, ही डाइड। सर सैयद की औलाद में से एक वो भी था जो किसी होटल में था अच्छे ओहदे पे और टीवी पे भी कुछ करता था, खबरें पढ़ता था या क्या, बड़ा अंग्रेज टाइप बंदा था वो, हिज नेम वाज आल्सो महमूद समथिंग। अच्छा जी, ऐसा बंदा जो कुछ अरसे के लिए क्रिश्चियन हो गया, अभी हमने कहा कि 150 साल हुआ है इनके इंतकाल को ना? सर 150 से कम, 100 से ज़्यादा। मुस्लिम नहीं, हिंदू नहीं, या फिर सिख थे कोई, ये पूछा जा सकता है, लेकिन सिख भी कौन इतना मारूफ। आप पार्टी के पीछे जाए ना, कांग्रेस से तो उनका ताल्लुक, मुस्लिम लीग की तरफ जाए। मुस्लिम लीग में ऐसा कौन सा बंदा है जो थोड़ी देर के लिए क्रिश्चियन रहा और उनका मुस्लिम नहीं, हिंदू भी नहीं? जी सर, इट कुड बी पारसी। व्हाई नॉट, पारसी की तरफ आप जा ही नहीं रहे, मैं इतनी देर से कह रहा हूँ। तो हसन साहब पारसी थे? नहीं, पारसी नहीं थे जी। कोई अंग्रेज, कोई एंग्लो इंडियन भाई जी, कोई एंग्लो इंडियन देखें। एंग्लो इंडियन भी कोई ऐसा सीन में आ नहीं रहा, अंग्रेज भी कोई नहीं आ रहा। अंग्रेज भी ऐसा जो थोड़ी देर के लिए क्रिश्चियन रहा हो, ताल्लुक पता कर लें, बंगाल से, गुजरात से, पंजाब से, पंजाब से ताल्लुक पूछे, कलकत्ता से, उस पे काफी क्वेश्चंस लग गए हैं। 16 सवाल हो चुके हैं, 16 हो चुके हैं, 4 रह गए हैं। तो उसमें जो है अब ये ना हो कि कोई ऐसा मुस्लिम स्कॉलर जिसको उलमा ने कहा जी मुस्लिम नहीं है, मौलाना चराग अली और इस तरह के जो लोग थे, लेकिन वो क्रिश्चियन हो गए हो, या इनका इंतकाल का जो पीरियड है वो 1900 के बाद का है या पहले का है?
पंजाब जी। कितने हो गए? 17 16 सवाल। रियासत से ताल्लुक तो कांग्रेस से ताल्लुक नहीं था। हाँ, तो फिर कुछ सिख पर्सनालिटी एक ही रह जाता है। हसन साहब, कुछ सिख पर्सनालिटी जी? हाँ, पहला जी आया जी। तो करतार सिंह के साथियों में से कोई? हसन साहब, इस क्वेश्चन से हटके मैं पूछना चाह रहा हूँ, जितने लोग इस वक्त हॉल में हैं जी, जी। इनमें से आधों को पता होगा उसका? मेरा नहीं ख्याल जी। अल्हम्दुलिल्लाह 10% को भी नहीं पता होगा। करतार सिंह के साथियों में कोई देखे? कोई उस शिप पे गया हो जो कनाडा और अमेरिका जाते थे? कनाडा गए थे। गदर पार्टी? गदर पार्टी का कोई शख्स? हसन साहब, गदर पार्टी से ताल्लुक था इनका? नहीं। अच्छा, पीरियड वही बनता है। 18 सवाल। कोई ऐसा सिख जो बाद में फिर जो है ना, हु वाज वंस क्लोज टू द ब्रिटिश, फिर वो बागी हो गया। अच्छा, एक सेकंड है। महाराजा दिलीप सिंह? हाँ, महाराजा दिलीप सिंह ऑफ पटियाला वाजी। महाराजा दिलीप सिंह रंजीत सिंह का बेटा। अच्छा, हु वाज टेकन टू द यूके? द यूके, हाँ, कुड बी, यस दैट्स राइट। जो कुछ देर के लिए क्रिश्चियन भी रहा होगा। कह रहा हूँ, दो क्वेश्चन रहते हैं जी। पंजाब जी सर, 18 सवाल। वही पूछा जा सकता है ना कि रंजीत सिंह की फैमिली से जी जी, है ना। हसन साहब, इनका ताल्लुक रंजीत सिंह की फैमिली से था? जी बिल्कुल जी। वाओ, ग्रेट। नींदर च बुझे। तो दिलीप सिंह कोहिनूर की लेजेंड इनके साथ मशहूर है? बिल्कुल जी, महाराजा दिलीप सिंह पूछा। आफ्ताब साहब को था कुछ काम, सो उनको हमें यहाँ से जाना पड़ा छोड़ के। तो अब आप हैं, मैं हूँ और हमारे चैलेंजर हैं। चलें, लेट्स ट्राई, है ना। आज पहली बार सिर्फ अकेले शकील साहब के साथ चल रहा है। सो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अबू बकर। अबू बकर साहब, कहाँ से ताल्लुक है आपका? जी लाहौर से। वेलकम टू द शो। थैंक यू। अबू बकर, क्या करते हैं आप? सर मैं इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं जी। जी सर, उपकर साहब पर्सनालिटी जिंदा? नो। मर्द? यस। एशियाई? यस। इनके इंतकाल को 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं? यस। 100 साल से ज्यादा? नो। 1923 से 1973 के 70 साल से ज्यादा? जी तकरीबन अराउंड 1948। कोई मुस्लिम पर्सनालिटी? जी जी, मुस्लिम पर्सनालिटी जिनका इंतकाल 1947-48 में हुआ? 1948 के करीब करीब। ओके, वजह शोहरत सियासत व हुकूमत? जी भी है। सियासत व हुकूमत भी है जी। ओके जी सर। और दूसरी वजह शोहरत अबू बकर साहब, इनकी इल्म व फजल है? जी बिल्कुल। कोई रिलीजियस स्कॉलर थे? जी बिल्कुल। 10 सवाल। कराची में सेटल थे? जी बिल्कुल, मतलब रहायश उनकी कराची में थी। जी जी बिल्कुल। और मजे का सवाल ये है कि आपने ना साउथ एशिया पूछा ना पाकिस्तान पूछा। हाँ, मतलब वो पीरियड से जो है ना, कुछ क्वेश्चंस अननेसेसरी हो जाते हैं जी। तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया? जी बिल्कुल। ओके, देवबंद स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक था? जी बिल्कुल। सर खैर है? बहावलपुर में डेथ हुई? जी सर। एक मिनट, एक क्योंकि आप ताब साहब जब अकेले भी बैठे होते हैं ना, तो वो सिलोलिक्वी कर रहे होते हैं। अदर्स नो व्हाट इज एक्चुअली गोइंग इन द माइंड। आपके क्यों ऑन पॉइंट सवाल आई जा रहे हैं पता ही नहीं चल रहा। मुझे थोड़ा सा क्लू मिल गया उसका। सो व्हाट आर यू थिंकिंग? क्योंकि उस जमाने में दो स्कॉलर्स थे जिनकी डेथ हुई, एक सुलेमान नदवी थे और एक मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी। ओके तो ये उसमें देवबंद स्कूल ऑफ थॉट से थे
जी मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी। ओके। और देवबंद के अक्सर उलमा जो थे वो तहरीक पाकिस्तान के हक में नहीं थे। अच्छा। सो ही वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू हु सपोर्टेड द पाकिस्तान मूवमेंट। ओके। तो और इनका इंतकाल भावलपुर में हुआ। कितने क्वेश्चन हो गए जी? 14 सवाल। 14 हो गए हैं। आपने मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी का पूछा? जी बिल्कुल। वाओ। It was in no time actually. Oh. Wonderful.